नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पारिजात के प्लांट के बारे में। इसे हार सिंगार भी बोलते हैं। दोस्तों, रात में खिलने वाला जितने भी पौधा होता है उसमें सबसे खुशबूदार यही होता है। और देखिए कितना सारा फूल खिला है और इसका पीछे का हिस्सा ऑरेंज कलर का रहता है। बहुत ही प्यारा फूल है और अगस्त से ये खिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। फ्लावरिंग इसका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक खिल जाता है। और इसको गमले में कैसे लगाना है आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये एयर लेयरिंग से बना हुआ है और सीड से भी ये बन जाता है, कटिंग से भी बन जाता है। और इसका पता देखिए, दो टाइप का प्लांट आता है। ये देखिए, इसका कोना निकला हुआ है और एक पता जो आता है वो पूरा राउंड शेप में आता है। तो ये वाला थोड़ा हाइब्रिड है और वो पुराना वैरायटी है लोकल में। तो दोस्तों, जो भी मिलता है आप लगाइए। ये बहुत मेडिसिनल पौधा है, इसका बहुत सारा यूज आता है और इसके बारे में मैं आज डिस्कस भी करूँगा। और एयर लेयरिंग जो आप ले रहे हैं दोस्तों, ऐसा मोटा वाला ब्रांच लीजिए जो पेंसिल से थोड़ा मोटा हो। और पतला ब्रांच में आप एयर लेयरिंग नहीं कर सकते, वो आप कटिंग से लगा सकते हो। और एयर लेयरिंग का फ़ायदा ये है दोस्तों, इसमें तुरंत फूल आ जाता है। और अगर आप सीड से इसे लगाते हो तो करीब 2 साल टाइम लगाता है ये फूल आने में। तो पहला चीज़ है, गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो एयर लेयरिंग से लगाइए। आज मैं एयर लेयरिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, वो कैसे करते हैं वो मेरा वीडियो है, वो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर कटिंग से आप लगाते हो तो ये 1 साल लगाता है फूल आने में और सीड से 2 साल लगाएगा। तो इस तरह दोस्तों इसे लगाया जाता है बहुत सारा तरीके से। और इसके केयर के बारे में अगर हम बात करें तो इसे फुल सन चाहिए, सन लविंग प्लांट है। और दोस्तों, इसमें देखिए रूट जैसा आपको दिख रहा है तो इसका मोटा पतला सब कटिंग लग जाता है यहाँ पे देखिए। और एयर लेयरिंग करने पर बहुत जल्द रूट आ जाता है 20 दिन में। और ये बेस्ट टाइम होता है आपका जुलाई महीना। जुलाई में अगर आप इसका एयर लेयरिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ग्रोथ टाइम है प्लांट का। और जैसे ही आपका जुलाई आ जाए इसमें आप फर्टिलाइजर दीजिएगा, जैसे कि NPK 19-19-19, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच। और दोस्तों, इसका सीड मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सीड है और सीड आपका बनता है समर में। ये अप्रैल और मई के महीने में इसका सीड कलेक्ट किया जाता है, उस टाइम ये पक जाता है इसका सीड। और मैच्योर सीड ही आप लीजिएगा, जो पतला सीड है वो जर्मिनेट नहीं होता है। ऐसे जो देखिए उभरा हुआ है ऐसा वाला सीड जर्मिनेट होता है। और दोस्तों, सीड को लगाना भी बहुत आसान है। आप इसके लिए क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप हेल्दी सीड सिलेक्ट कीजिए और उसको आप सैंडी सॉइल, जो बालू मिट्टी आता है दोस्तों, उसमें, ज़्यादा नीचे नहीं, ऊपरी हिस्सों में ऐसे लगा दीजिए और थोड़ा मिट्टी से ढक दीजिए उसको। और इसको आप फुल सन में रखिएगा और मॉइस्ट रखिएगा। सुबह हर दिन इसमें पानी आप दीजिएगा स्प्रे की मदद से, जैसे आपका सीड एक्सपोज ना हो ऊपर की तरफ। और इस तरह आप अगर इसको मॉइस्ट रखेंगे हर टाइम तो ये जर्मिनेट हो जाता है। और दोस्तों, इसका फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें गोबर का खाद और NPK 19-19-19 दीजिए अगर पॉट में लगा हुआ है। और नीचे अगर आपका लगा हुआ है तो कुछ भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही फ्लावर देता है। और दोस्तों, नीचे अगर आपका प्लांट है तो फिर भी आप जब जुलाई आ जाए, जुलाई में थोड़ा DAP दे दीजिएगा उसके प्लांट के साइड में, 1 फुट के एरिया में थोड़ा थोड़ा DAP डाल दीजिएगा 1 मुट्ठी। तो उसमें क्या होता है, फ्लावरिंग इसका बढ़ जाता है। और प्लांट का एज अगर आपका 7-8 साल से ऊपर हो गया तो और कुछ देना भी नहीं पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये सैंड है। इसका पोटिंग मीडिया जब आप बनाते हो, सैंड और गोबर का खाद, वो आप अच्छे से मिलाएगा। और पानी ड्रेन आउट होना चाहिए, पानी ठहरेगा तो ये अच्छा नहीं ग्रो करता है, रॉट हो जाता है। और ऐसे ही ऊपर के लेयर में गमले का आप डाल दीजिएगा जुलाई में थोड़ा गोबर का खाद, और थोड़ा फर्टिलाइजर देना पड़ता है जुलाई के महीने में। और अगस्त इसका हैवी फ्लावरिंग टाइम होता है, बहुत सारा फूल देता है ये।
गमले में अगर आप इसे लगाते हैं तो हर साल इसका रूट प्रूनिंग करना पड़ेगा और ऊपर से इसको ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाइट भी छोटा चाहिए और पॉट का एरिया भी लिमिटेड होता है, तो रूट प्रूनिंग ज़रूरी हो जाता है। ये रूट प्रूनिंग आप कर सकते हैं जून या जुलाई में, जब बारिश आ जाए आपके एरिया में, और थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दीजिएगा बस। तो दोस्तों, इसका पत्ता तो बहुत काम आता है, जैसे कि आपका बुखार में, मलेरिया में, अर्थराइटिस में, तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और इंडियन माइथोलॉजी में अगर हम देखेंगे, ये तो इंद्र के पास था और वहाँ से भगवान कृष्ण ने धरती पर इसे लेके आए, और इसीलिए इसे शुभ पौधा माना गया है। ऐसे आप रेगुलर इसे काटते रहिए दोस्तों, नया नया ब्रांच आएगा इसका और प्लांट आपका घना दिखेगा, और घना होगा प्लांट तो फ्लावर भी ज़्यादा देगा। तो इस तरह इसका थोड़ा देखभाल करना पड़ता है अगर गमले में लगा हुआ है। मैं लेकिन बोलूँगा आपको, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसे नीचे ही लगा देना चाहिए। नीचे अगर आपका स्पेस नहीं है तो आसपास कहीं भी लगा दीजिए इसको, क्योंकि ये 25-30 मीटर तक खुशबू बिखेरता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक डिमेरिट है, ये फूल दिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रात को ही इसका फूल नीचे गिर जाता है, और रात को अगर आप देखेंगे तो सुबह 4 बजे या 5 बजे इसका फूल सब नीचे बिखरा हुआ रहता है और गिर जाता है। दोस्तों ये देखिए, सुबह सुबह कुछ फूल बचा है तो मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये प्लांट मेरा काफ़ी बड़ा है, करीब 10-11 साल हो गया ये प्लांट को, और ये 20 फुट तक चला गया है अभी। और ये पहले मैं गमले में लगाया था इस तरह, और बाद में इसे मैं नीचे लगा दिया, और नीचे लगाने पर बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ आया। देखिए कितना बड़ा हो गया है ये पौधा, और फूल तो बहुत दे रहा है दोस्तों। देखिए नीचे कितना फूल गिरा हुआ है, और इसका पीछे का पोर्शन देखिए ऑरेंज कलर में आता है। इसे कोरल जस्मिन या फिर नाइट ब्लूमिंग जस्मिन भी बोलते हैं, और ये अभी कम खिल रहा है दोस्तों, और 5-6 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, तो देखिएगा ये और फूल देता है, अभी खिलना शुरू हुआ है। ये फूल नीचे गिरने पर भी दोस्तों भगवान को लगता है, और शिव जी का इसमें पूजा की जाती है, इसीलिए इसे हर सिंगार बोलते हैं, और इसका खुशबू बहुत तेज होता है, इसीलिए इसको हार बनाया जाता है, तो हार सिंगार भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, इस तरह मैं नई नई जानकारी लाता रहूँगा।